नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार में इन दिनों शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले दिनों ही प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून कितना विफल है इसको लेकर नए नए तरकीब कैसे अपनाए जा रहे हैं और इससे किस तरह लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं इसका बड़ा खुलासा किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीएम नीतीश कुमार ने इस कानून को सफल बताते हुए उनकी एक एक बारीकियों को बड़े ही खूबसूरती से गिनाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम शराबबंदी कानून को लेकर। आजकल पूरा दुनिया में नया व्यवस्था हो गई बा, अमेजोन फ्लिपकार्ट दुकान पर नहीं जाए पड़ा, मोबाइल में देख के बटन दबाई आ सामान घरे आई। तो नीतीश कुमार कहलन कि हमू इंजीनियर है, एहनो जाना से बढ़िया होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाई, सब शराब का दुकान बंद करो आ होम डिलीवरी चालू करो। तो वह 100 रुपया के शराब 400 रुपया में घरे घर आवता है। बहुत झंझट करते थे और बच्चे लोगों को और सबको खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता, पढ़ भी नहीं पाते थे, बुरा हाल था और आकर के झंझट करते थे। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ उन्होंने शराब पीना बंद किया और अब शाम में लौट करके आते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाजार से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, अब सबको खुशी होती है और घर का भी काम करते हैं। ये उसी समय हमको सुनने को मिला और एक एक तरफ से चारों तरफ लोगों ने काम किया और लगातार वही हमने 16 से ही फिर हम लोगों ने लागू कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे 15 तक को, 11 से 15 तक तो जो हम लोगों ने किया था नशा मुक्ति दिवस, वही 16 में हमने कहा कि अब ये मद्य निषेध दिवस होगा। और तब से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सब जगह जा करके और फिर उसके लिए जो सब कुछ हम लोगों ने आयोजन किया एक एक तरफ पर जा करके और कितने लोग बिहार भर के लोग जो आए और कितने लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया और सब तरह का सर्वे किया गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं जी, जब अच्छा काम करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आवाज भी तरह तरह की बात करता है। आप देखिए इन लोगों ने पूरा दिया है और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है उसको भी सीज कर रहे हैं। हमने कितनी बार हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर कि भाई इसको देखिए और इतना ज्यादा कहां हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हो ही रहा है। और आप जानते ही है कि हम लोगों ने कितना ज्यादा सब लोगों को कहा, अब जो आप जानते हैं कि ताड़ का पेड़ अब कितने बड़े पैमाने पर और उससे ताड़ी नहीं निकलता है। अब ताड़ी निकलता है जब सूर्योदय होने के बाद होगा तो ताड़ी निकलेगा, लेकिन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो कितना फायदा हो जाएगा। नीरा निकलता है और नीरा इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक लाभकारक होता है। हम तो कितने लोगों के बीच में यह अभियान चला रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे क्यों डिमांड कर रहे हैं, बिना मतलब की बात है। अरे भाई उसे नीरा बन सकता, अभी भी कितने बड़े पैमाने पर नीरा हमने शुरू करवाया था, कितना अच्छा था, बीच में फिर आ गया था ये सब जो समूचा आपका बीच में झंझट आ गया तो फिर हमने लास्ट ईयर से शुरू करवाया। तो सुना आपने एक तरफ जहां प्रशांत किशोर
इसकी खामियों को गिनाते नजर आए कि किस तरह लोगों तक ये होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह विफल साबित हुई है। तो वही नीतीश कुमार ने पूर्व में हुए इसके फायदे, साथ ही अभी हो रहे इसके फायदे को बड़े ही खूबसूरती से गिनाया है। उन्होंने कहा है कि पहले जहां लोग शराब पीकर गलत धंधे में संलिप्त तो हो जाते थे, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते थे, वहीं आज उस घर में लोग इतने सुधर गए हैं कि अब शराब का सेवन करने की बजाय घरों में वो सब्जी लेकर लौटते हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ ऐसा कहते नजर आए हैं बिहार के सीएम शराबबंदी कानून को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि शराबबंदी कानून कितना सफल रहा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के बयान से ये बखूबी साबित होता है कि ये पूरी तरह से सफल ना भी रहा हो, लेकिन इसके बड़े असर जरूर देखने को मिले हैं।